प्रति और एजुकेशन प्रति असी वचनबद्ध हाँ। उस वचनबद्धता दोहराते हुए उन्होंने 15 अगस्त को जोड़े 100 आम आदमी क्लीनिक जोड़े पंजाब 15 अगस्त को शुरुआत की सी। उन्होंने पंजाब के लोगों को बहुत ही जोड़े लाभदायक नतीजे ने जोड़े वो सामने आए ने। 15 अगस्त को शुरू होए आम आदमी क्लीनिक 2 महीनों जिन्हों का रिजल्ट है पंजाब के आम लोगों को लगातार दिख रहा है, जिदे 2 महीनों 15 अगस्त को लैके 15 अक्टूबर तक 347,193 जी ओ पी डी है वो 2 महीनों की गई है और 45,570 जोड़े क्लीनिकली जोड़े टैसट ने वो उत्थे किए गए ने। देहाती खेत्र ने जोड़े रूरल खेत्र है जोड़ा उत्थे खोले गए ने। उदे नाल ही जिहड़ी हुण साढ़े मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान उरां दा अगला स्टैप है वह पंजाब दे विच जिन्ने भी CHC PHC जिन्ने भी सेंटर ने उहनां नूं आम आदमी क्लीनिक की तर्ज से उहनां नूं उसे तरह जिवें आम आदमी क्लीनिक ने उसे तर्ज से उहनां नूं डिवेलप किया जा रहा है और उत्थे सारी जिहड़ी मैडिसिन है वह भी उपलब्ध रहेगी और जिहड़े टैस्ट ने वह भी उत्थे जिहड़े कीते जाणगे। उहदे नाल ही पिछले दिन असी मीटिंग भी की जेडे डेंगू का जोड़ा ये महीने के जोड़ा डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, सो उसू देखते हुए जोड़ा पिछले साल का डेंगू का जो अफेक्टेड लोग हुए थे वह हुए 23,500 और वो बहुत सारिया 55 मौत जो पिछली बारी हुई जोड़ा ऐतकी का हैगा डेंगू के जोड़े कोई अफेक्टेड पाए गए ने 3446 लोग ने जोड़े डेंगू तो अफेक्टिव पाए गए ने और 5 जिहड़ियां मौतां वो हुई ने। सो साडी कोशिश रहिंदी है कि असी शुरू के जो कोई किसी जिस तरह हुण पिछे असी कैंपेन चलाई सी कि एक दिन अपने घर लई ड्राई डे के तौर पर मनाया जाए किसी कूलर च जां किसी फ्रिज के विच पानी हुंदा उहदा नतीजा है जिहड़ा वह साडे सामने आया कि डेंगू का ये दिन बहुत ज़्यादा प्रकोप होंदा उस तो भी असी है जिहड़ा नजात है जिहड़ी पाई गई है। सो बाकी RBSK स्कीम के तहत जिहड़े 0 to 18 साल के बच्चे ने उन्हां दा इलाज है असी सरकार वालों जिहड़ा फ्री किया जाता और एक बीमारी इदां दी है जिहड़ी जिहदा इंजैक्शन आ आए महीने जिहड़ा लगता हुंदा है वह PGI चों लगता हुंदा, सो उहदे तहत ही असी एक नोडल अफसर है जिहड़ा वह नियुक्त किया ताकि असी जिहड़ी कोई बच्चे दे इंजैक्शन लगता है जिहड़ी पूर्ति है वह भी असी पूरी कर सकीए। बाकी जिहड़ा हैपेटाइटिस है उहनू साडी सरकार वल्लों पहला 68 जिहड़े हैगे सीगे केंद्र सीगे जिहड़े चैक करदे सीगे हुण उह वधा के 140 कीते गए ने और पंजाब सरकार की कोशिश है कि 2030 तक सूबे नूं जिहड़ा काले पीलिए तो जिहड़ा मुक्त है वह करा लिया जाऊगा और जिहड़ा मलेरिया डेंगू है अते चिकन ये 10 जिले ने जिहड़े वो बिल्कुल असी डेंगू मुक्त कर चुके हैं और उहदे नाल ही 2024 तक पंजाब नूं जिहड़ा मलेरिया मुक्त करन दा टीचा मिथ्या गया। तो उस तो अलावा जिहड़े हैगे जच्चा बच्चा की जिहड़ी हैगी आ जनेपा दर 98.50% है, पंजाब च मावां दी मौत दर 129 तो घट के 114 जिहड़ी हो गई है। बाकी कोविड के जिहड़े 18 साल तो वध दे लाभपात्री ने 22,34,555 और दूजी खुराक के जिहड़े हैगे ने 19 तो प्लस के जिहड़े हैगे आ जिन्हां ने हुण तक 86% जिहड़ी हो चुकी है 18 साल तो उपर वाले दी और पहली खुराक है जिहड़ी 98% है जिहड़ी वह पूरी हो चुकी हैगी है। और कोई तुसी कोई सवाल कोई उन्हां दी तफसील तुहानू दे दांगे जिहड़े आ डेंगू दे तुसी कीता पिछले साल दा जिहड़ा इन्ने दिनां दा पिछले साल इन्हां दिनां तक ये 15 तरीक तक जिन्ने भी उच्च अफेक्टेड हुए सी वो असी दस जिले की डिटेल में।
नहीं मीटिंग का तो कदे जवाब ही नहीं दिता, मैं हमेशा अवेलेबल ही रहना, कोई जो भी किसी ने मिलना, कोई किन्ने अजे सज्जन है जिहड़े बिना अपॉइंटमेंट तो भी आके मैनूं मिल के जांदे, सो कोई मिलना चाहुंदा जदों मर्जी आके मिल सकदा है। दूजा असीं पिछे भी बहुत सारे बच्चे जिहड़े कोरोना टाइम दे विच रखे गए सीगे ਉਹ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ BJP ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਧੀਆ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ BJP ਆ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ BJP ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।